पार्ट 9 की स्टार्टिंग में हम सिप्तित को देखते हैं, जो कि एक्सप्लेन कर रहा है जो उसकी लाइफ में चल रहा है उसके बारे में। सिप्तित कहता है, अभी मेरी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा, सब कुछ एम्प्टी सा फील हो रहा है। सब कहते हैं कि टाइम के साथ सब कुछ ठीक हो जाता है, पर मेरे लिए जैसे टाइम निकलता है मेरी फीलिंग्स और भी ज्यादा बदतर हो जाती है। देन एक दिन पिता प्रिकेंग को मिलने बुलाती है। प्रिकेंग उससे मिलने जाती है और उससे पूछती है, क्या सब कुछ ठीक है पिता? पिता कहती है, मैं तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ। मैं सोचती थी कि जब तुम सिप्तित की लाइफ से चली जाओगी तो वो मेरे पास वापस आ जाएगा। प्रिकेंग पूछती है, तो क्या वो तुम्हारे पास वापस नहीं आया? पिता कहती है, नहीं वो नहीं आया। अब जाकर मुझे रियलाइज हुआ है कि वो खुद के अलावा किसी और को लव करता ही नहीं है। प्रिकेंग, हम दोनों सेम मैन से हर्ट हुए हैं। पिता अपना दुख प्रिकेंग को बताकर रोने लगती है। प्रिकेंग पहले तो ब्लैंक एक्सप्रेशन देती है, पर जब वो बहुत रोती है तो कहती है, मैं समझ सकती हूँ। पिता कहती है, आई एम सॉरी प्रिकेंग, क्योंकि मैंने सिप्तित को पाने के लिए तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। देन नेक्स्ट सीन में 3 मंथ्स का टाइम जम्प होता है। 3 मंथ्स बाद प्रिकेंग के फाइनल एग्जाम फिनिश हो जाते हैं। स्लीविया और जॉनी सेलिब्रेट करने के लिए क्लब में जाने की कहते हैं। प्रिकेंग जाने के लिए मान जाती है। वेल, उसी टाइम प्रिकेंग को सिप्तित की मॉम नताली का कॉल आता है। प्रिकेंग उनसे कहती है, मैं आपको बहुत मिस करती हूँ। वो कहती है, मैं भी तुम्हें बहुत मिस करती हूँ। वेल, मैंने और तुम्हारे अंकल ने मिलकर सिप्तित की ग्रेजुएशन सेलिब्रेट करने के लिए पार्टी रखी है विम्बार्डन फार्म पर, और मैं तुम्हें इनवाइट करती हूँ पार्टी में आने के लिए। सिप्तित ने मुझसे कहा कि वो तुम्हें यूनिवर्सिटी में बहुत कमी देख पाता है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम यहाँ आकर उसे सरप्राइज दो। प्रिकेंग उन्हें बताने वाली होती है कि उसका और सिप्तित का ब्रेकअप हो चुका है, पर उससे पहले ही वो कहती है, किचन की हेड लेडी, हेड पैड और यहाँ सब तुम्हें बहुत मिस कर रहे हैं और सब तुमसे मिलना चाहते हैं। और दूसरी बात ये है कि यहाँ के ग्रेप्स भी फ्रेश और स्वीट हैं, तुम जितना चाहो खा सकती हो। प्रिकेंग हंसकर कहती है, ऐसा लग रहा है जैसे आप ग्रेप्स का नेम लेकर मुझे आने के लिए मना रही हो। मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि आप मुझे ग्रेप्स के साथ बाय कर सकती हो? वो कहती है, मैं रियली चाहती हूँ कि तुम यहाँ आओ और कुछ दिन रुको। प्रिकेंग पूछती है, क्या मैं अपने साथ अपने फ्रेंड को ला सकती हूँ? वो कहती है, बिल्कुल। प्रिकेंग कहती है, ओके मैं जरूर आऊंगी। देन प्रिकेंग एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में जाती है की से मिलने, पर वहाँ ग्रेजुएशन पार्टी चल रही थी क्योंकि सिप्तित ग्रेजुएट हो गया। जब प्रिकेंग वहाँ पहुँचती है तो की के फ्रेंड्स उससे कहते हैं कि कोई गर्ल यहाँ तुमसे मिलने आई है। सिप्तित भी उसे देख लेता है और उसकी खुशी गायब हो जाती है। देन स्टूडेंट्स ग्रुप फोटो के लिए खड़े होते हैं, तो कोई प्रिकेंग को पुश करता है जिससे वो सिप्तित के पास जाकर खड़ी हो जाती है ग्रुप फोटो में। थोड़ी देर तक तो वो दोनों एक दूसरे को ही देखते रह जाते हैं। फोटोशूट के बाद सिप्तित नोटिस करता है कि प्रिकेंग सनलाइट की वजह से अपनी आईज ओपन नहीं कर पा रही, तो वो उसके फेस के सामने अपना हाथ लगा लेता है। ये देखकर की जेलिस होता है, तो वो प्रिकेंग का हाथ पकड़ता है सिप्तित को बताने के लिए कि प्रिकेंग अब उसकी है, और उसे ले जाता है। बेचारा सिप्तित प्रिकेंग को जाते हुए ही देखता रह जाता है। नेक्स्ट डे प्रिकेंग की के साथ विम्बार्डन फार्म पहुँचती है। सभी लोग उससे मिलकर बहुत खुश होते हैं। सिप्तित भी उसे देखकर खुश होता है। हेड प्रिकेंग से कहता है कि यहाँ कोई और भी है जो आपको बहुत मिस कर रहा था, और वो सिप्तित की तरफ इशारा करते हैं। सिप्तित और प्रिकेंग एक दूसरे से बिल्कुल भी बात नहीं करते। देन नताली प्रिकेंग से बात करने रूम में जाती है। वो प्रिकेंग से पूछती है, तुम्हारे और सिप्तित के बीच क्या हुआ? क्योंकि मुझे पता है कि तुम्हारे और सिप्तित के बीच पहले जैसा सेम कुछ भी नहीं है। प्रिकेंग कहती है, आपसे किसने कहा, मैं तो पहले जैसी ही सेम हूँ। नताली कहती है, क्या मैं तुम्हें पनिश करूं मुझसे झूठ बोलने के लिए? प्रिकेंग कहती है, इस फैमिली में सबको पनिश करना क्यों पसंद है? वो कहती है, वैसे सिप्तित फार्म पर बहुत कम ही आता था, पर कुछ टाइम से वो बहुत चेंज हो गया है। वो पहले जैसा खुश नहीं रहता, वो खुद को अकेला रूम में लॉक करके रहता है और अकेला ही ट्री के नीचे बैठा रहता है। मुझे नहीं पता कि तुम दोनों के बीच क्या हुआ है, पर मुझे इतना जरूर पता है कि तुम और सिप्तित एक दूसरे को बहुत लव करते हो। तुम दोनों बात करो जिससे तुम्हारे बीच की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। मैं फिर से तुम्हें और सिप्तित को खुश देखना चाहती हूँ। और फिर वो प्रिकेंग को समझाकर चली जाती है। देन इवनिंग के टाइम सिप्तित की ग्रेजुएशन पार्टी स्टार्ट होती है। सिप्तित अपनी स्पीच में बताता है कि उसने एग्रीकल्चर की स्टडी क्यों की। वो कहता है, मेरे फादर मेरे आइडल हैं, क्योंकि उन्होंने विम्बार्डन फार्म की लैंड को ब्यूटीफुल और प्लेंटीफुल बना दिया। अब जब मैंने अपनी स्टडी कम्प्लीट कर ली है, तो मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं इस प्लेस का अच्छे से ध्यान रखूंगा। मैं अपने फादर की मेहनत को बेकार नहीं होने दूंगा। नैन सिप्तित प्रिकेंग की तरफ इशारा करके कहता है, यहाँ एक पर्सन और है जिसे मैं थैंक्स कहना चाहता हूँ। वो मेरी छोटी बहन की तरह है। मेरे लिए विम्बार्डन हैप्पी प्लेस है उसकी वजह से।
तुमने मुझे एनकरेज किया एक बेटर पर्सन बनने के लिए। थैंक यू वो सारी गुड मेमोरीज के लिए। थैंक यू प्रिकेंग। प्रिकेंग ये बात सुनकर इमोशनल हो जाती है। क्यू उससे पूछता है, क्या कोई बात तुम्हें परेशान कर रही है? प्रिकेंग कहती है, ऐसा नहीं है। वो कहता है, ठीक है तो हम बाहर चलते हैं और फोटोज क्लिक करते हैं। प्रिकेंग कहती है, मैं रेडी होकर आती हूँ। प्रिकेंग अपने रूम में चली जाती है। उन दोनों की बात हेड सुन लेता है और वो सिप्तित के पास जाता है और उसे बताता है कि की प्रिकेंग को बाहर ले जाने वाला है, पर उससे पहले आप प्रिकेंग के पास जाओ और कन्फेस करो। सिप्तित प्रिकेंग के पास जाता है। इधर किचन की हेड वर्कर हेड से पूछती है कि वो सिप्तित को क्या बता रहा था। हेड उन्हें भी सारी बात बताता है और कहता है, मैं की को ज्यादा पसंद नहीं करता। मैं नहीं चाहता कि वो प्रिकेंग के साथ बाहर जाए, इसलिए मैंने सभी बाइसिकल्स खराब कर दी जिससे की को उन्हें ठीक करनी पड़े और सिप्तित प्रिकेंग से बात कर सके। हेड लेडी कहती है, ये तुमने बहुत अच्छा काम किया। प्रिकेंग सिप्तित को देखकर हैरान होती है और उससे बात किए बिना ही वहाँ से जाने लगती है। सिप्तित उसे रोककर कहता है, प्रिकेंग क्या ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि हम फिर से एक हो जाएं? प्रिकेंग कुछ नहीं कहती। सिप्तित कहता है, एक्चुअली मुझे तुम्हें ये सारी बातें कहकर परेशान नहीं करना चाहिए, और मैं समझ सकता हूँ अगर तुम मुझे माफ भी नहीं करो तो। अब से मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। ये कहकर वो चला जाता है। देन प्रिकेंग की के साथ बाहर जाती है। बाहर की अगेन प्रिकेंग से अपनी फीलिंग्स कन्फेस करता है और कहता है, तुम्हें पता है ना कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। अभी तक मैं तुमसे दूर था, तुमसे अपनी फीलिंग्स कन्फेस नहीं की क्योंकि मैं तुम्हें अनकंफर्टेबल फील कराना नहीं चाहता था, पर आज मैं लाइन क्रॉस करना चाहता हूँ। प्रिकेंग मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हारी फीलिंग्स कभी हर्ट नहीं करूंगा। प्रिकेंग सोचकर कहती है, मुझे तुम्हें चांस देना चाहिए। की बहुत खुश हो जाता है। देन की प्रिकेंग को किस करने के लिए उसके क्लोज आता है और इस सीन को यहीं पर कट कर दिया जाता है। रात के टाइम पहले की तरह सिप्तित और की बात करते हैं। की पूछता है, क्या तुम्हारे मन में अभी भी प्रिकेंग के लिए फीलिंग्स हैं? सिप्तित कहता है, हमारी रिलेशनशिप बहुत पहले ही एंड हो चुकी है। की कहता है, ये तो अच्छा है क्योंकि मैं प्रिकेंग से मेरी फियांसे बनने की पूछ चुका हूँ और उसने हाँ भी कह दिया है। की सिप्तित को गुस्सा दिलाकर चला जाता है, पर अपने रूम में जाकर प्रिकेंग के रिजेक्शन की वजह से वो रोने लगता है। देन फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जब की प्रिकेंग को किस करने वाला होता है तो वो रोने लगती है। ये देखकर की उसे किस नहीं करता और कहता है, तुम ठीक नहीं हो। प्रिकेंग कहती है, आई एम सॉरी की, मैं ये नहीं कर सकती। की प्रिकेंग को हक कर लेता है और कहता है, इट्स ऑल राइट, मैं समझ सकता हूँ। प्रिकेंग रोते हुए कहती है, पर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं खुद को हेट करती हूँ। पता नहीं क्यों मैं सिप्तित को भूल ही नहीं पा रही। देन प्रिकेंग की से कहती है, आई एम सॉरी क्योंकि इस टाइम तुम भी बैड फील कर रहे होगे, मुझे सिप्तित की बात नहीं करनी चाहिए। की कहता है, पर ये तो अच्छा है ना कि मेरी वजह से तुम्हारे हर्ट को रियलाइज हुआ कि तुम क्या चाहती हो। तुम दूसरों को फूल बना सकती हो पर अपने हर्ट को फूल नहीं बना सकती। प्रिकेंग पूछती है, क्या तुम ठीक हो? वो कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ। प्रेजेंट में की प्रिकेंग के बारे में ही सोचता रहता है। सिप्तित गुस्से में प्रिकेंग के रूम में जाता है। वो उसे अंदर नहीं आने देती क्योंकि वो ड्रंक होता है, पर वो जबरदस्ती अंदर आ जाता है। प्रिकेंग उसके बिहेवियर से बहुत डर जाती है और इसी के साथ पार्ट 9 एंड होता है।